बचपन में ही मुझे पता चल गया था कि मैं शायद संगीत के लिए बना हूँ। You have to find a voice of yours first to start singing. The notes always made sense to me more than conversation. कॉलेज में तो अनवाइन करने के लिए सिर्फ एक ही मेडिसिन था हमारे लिए, म्यूजिक। If you're honest with your work, you don't have to worry about anything. You know, बहुत कम और बहुत किस्मत से ऐसे मौके मिलते हैं ऐसा एक शो करने के लिए। जब मौका मिला है कुछ अच्छा करने का तो हम वही क्यों करें जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं? ऐसा क्यों ना करें कुछ कि लोग बोलें कि वाह, इन्होंने रास्ता क्या पकड़ा है। In a world full of chaos, take a moment to unwind. 10 episodes celebrating 10 genres of music. Let's unwind with Kailash Kher. Only on Unacademy Unwind with MTV. बचपन में ही मुझे पता चल गया था कि मैं शायद संगीत के लिए बना हूँ। और मेरे पिताजी ऐसे बहुत ही उनका हॉबी था कि वो गाते भी थे, ऐसे वो ब्राह्मण थे, पुजारी, और गाते थे बड़ी यूनिक चीज़ें। समझ लीजिए जैसे पहेलियां गा रहे हूँ, पजल्स गा रहे हूँ, और वो यूनिकनेस ही शायद मेरा इंटरेस्ट जगा पाई, जिसकी वजह से मैं अब थोड़ा यूनिक कैलाश खेर बन के। बचपन से ही मेरे अंदर एक प्यास थी, एक भूख थी, एक तड़प थी, एक पागलपन था। मैं सोचता था जैसा मैं इमेजिन करता हूँ, जैसी मैं कल्पनाएं करता हूँ, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि मेरे टाइप का साउंड आए, मेरे टाइप के वर्ड्स हम गाएं, मेरे टाइप का पागलपन हो और ऐसा हो कि भारत के शब्द हों लेकिन पूरे विश्व का साउंड हो? तो वो हो गया और उसका नाम पड़ा कैलाशा। जब कैलाशा ने ओरिजिनल तेरी दीवानी या अपने गाने रिलीज़ किए थे तो सब कुछ नया था, फ्रॉम नथिंग टू समथिंग की यात्रा थी। एक सेंसेशन क्रिएट हो गई और कैलाशा और कैलाश खेर एक अपने आप में जॉनर बन गए। और अब एक डेकेड के बाद हम लोग उसको रिक्रिएट कर रहे हैं, जब 15 साल पहले का कैलाशा क्या साउंड लेके आए और अब क्या साउंड लेके आ रहे हैं, क्या सेंसिबिलिटीज हैं, तो वो एक वाइब इसमें अब क्रिएट होने वाली है। और अभी जो होगा वो भी कुछ मैजिक होगा। सुपर एक्साइटेड टू गो ऑन स्टेज विद कैलाशा, लेट्स क्रैक इट। तेरी दीवानी इज एन एंथम फॉर ऑल द रोमांटिक कपल्स, और जितने भी म्यूजिक के थोड़े दीवाने लोग हैं, आज हम इस गाने को रिक्रिएट करके आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। नरेश ने इसमें कुछ ऐसे मैजिक ऐड किए हैं, तो ओवर टू नरेश। जो हमारा बैंड है, हमारी बैंड की एनर्जी है, जो हम लाइव करते हैं इस गाने को, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये सोचा कि कुछ वैसे ही कुछ करें जो पहले थोड़ा क्लासिकल स्पेस में होता था, लेकिन हमने उसको थोड़ा मिडिल ईस्टर्न उस स्पेस में लेके गए हैं हम लोग। जो नरेश बता रहे हैं जरा उसका एक झलक देखिए। और अब आपके लिए ये मैजिक रिवील करते हैं हम इन अ न्यू अवतार तेरी दीवानी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं
रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी। मेरी सिंगिंग शुरू हो गई कमर्शियल्स में, मेरा नाम थोड़ा बढ़ने लगा था और उसी के ज़रिए अचानक एक कॉल आ गई थी मेरे पास विशाल शेखर की कि मैं विशाल बोल रहा हूँ। तो मैंने एक्साइटमेंट में पूछा, अच्छा विशाल भारद्वाज? नहीं नहीं, हम विशाल शेखर हमारी डो हैं हम लोग, और अभी हम लोगों ने भी एक ही फिल्म की है, तो वी आर ऑल्सो कमिंग अप। फिर मैं ट्रायल के लिए गया तो जाके ये गाना हमने गाया अल्लाह के बंदे, और ऐसा हो गया जैसे कैलाश खेर रातों रात दिनों दिन एक बहुत बड़ा नाम बन गया, एक पहचान वाला नाम बना। कैलाशा कॉन्सर्ट इज इनकम्प्लीट अनलेस वी परफॉर्म अल्लाह के बंदे, तेरी दीवानी, ये सब। तो अल्लाह के बंदे का कैलाशा एक वर्जन है, एक तरीका है हम लोग कैसे उसको परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, तो हम लोग मज़ा करने वाले हैं। अब बहुत जगह कैलाशा के वर्चुअल कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, हर जगह ये गाना होप के लिए गाया जा रहा है, लेकिन उसको नयापन देने के लिए नरेश परेश और पूरा हमारा कैलाशा बैंड, उसमें साउंड जो है वो पूरा इंटरनेशनल लेकर आते हैं। सो ओवर टू परेश। ने इस बार अल्लाह के बंदे को बीट दिया जो ओरिजिनल में सिर्फ अकूस्टिक गिटार है, तो इस बार बैंड के साथ, पूरे बैंड के साथ हमने किया, और उसका साउंड जो है एकदम चिल आउट जैसे सोच के किया है हमने। और इस बार रबाब ऐड हुआ, तो इन्होंने झाला जो एक तरफ बजने वाले तार होते हैं उन पे टेप लगा दिया, उनको बंद कर दिया झाला को, तो एक अलग इंस्ट्रूमेंट पहले बनाया इन्होंने। तो आप ज़रा देखिए किस तरह का ये इन्होंने ग्रूव। So this is special composition of Allah Ke Bande on An Academy Unwind with MTV.
परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। ओ लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर, के अल्लाह के बंदे हंस दे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे जो भी हो कल फिर आएगा। फिर जुड़ ना पाया। ओ लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर, के अल्लाह के बंदे हंस दे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे जो भी हो कल फिर आएगा। टुकड़े टुकड़े हो गया था हर सपना जब वो टूटा, टुकड़े टुकड़े हो गया था टुकड़े टुकड़े हो गया था हर सपना जब वो टूटा। बिखरे टुकड़ों में अल्लाह की मर्जी का मंजर पाएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे जो भी हो कल फिर आएगा। लगभग 10-12 वर्ष पहले जब मैं और स्नेहा पहली बार मिले, मुझे बहुत सारी चीजों में ऐसा लगता था जैसे मैं ही बिल्कुल अतरंगी हूँ, यूनिक हूँ, थोड़ा पागल हूँ। लेकिन मेरे पैरेलल एक और है और वो भी स्नेहा नाम की है। तो मुझे शुरू में तो यकीन नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे यकीन आना पड़ा क्योंकि ऐसे नोट्स और इस तरह की कुछ साउंड सेंसिबिलिटीज स्नेहा की तरफ से आई। हमने 2-3 गाने LSD में गाए और तब से हम लोगों की फ्रेंडशिप है, और उसके बाद ये कोलैबोरेशन हो रहा है जिसका नाम ही टाइटल सॉन्ग का है हाँ जी पापा। मुझे कैलाशा का साउंड बहुत पसंद है, बट मैं कैलाश के साथ और कैलाशा के साथ क्या करूं, मैं उनकी तरह का म्यूजिक नहीं जानती हूँ। तो आई थॉट ऑफ डिसरप्टिंग समथिंग, मैंने सोचा कि मुझे अभी DNB करने का मन कर रहा था, तो
कैलाशा और कैलाश खेर की आवाज़ के साथ एक 170 BPM पे एक अगर एक बीट स्टार्ट होती है विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर म्यूजिक अदरवाइज, तो फिर क्या होता है? ये जो मेलेडी है मुझे लगा कि इसमें कैलाश की भी आवाज़ बहुत अच्छी लगेगी, मेरी भी आवाज़ अच्छी लगेगी। हाँ जी पापा का मतलब है एक अथॉरिटी। हाँ जी पापा इज नॉट जस्ट अ सिंबल ऑफ रिलेशन और एनीथिंग, वन अथॉरिटी। हाँ जी पापा, हाँ जी पापा, हाँ जी पापा, हाँ जी पापा। आई एम सुपर एक्साइटेड टू कोलैबोरेट विद स्नेहा खानवलकर और अभी मज़ा आने वाला है क्योंकि हम एक सरप्राइज की पुड़िया आपके लिए लेकर आए हैं। आई टेल यू द ट्रूथ, मैं अपने बेबी के लिए कुछ भी गाती रहती हूँ, तो मैंने एक दिन हाजी पापा बोला एंड ही इज हुक्ड ऑन टू इट, सो देन आई थॉट दैट्स अ ग्रेट हुक। मैंने जैसे ही स्नेहा से बातें करनी शुरू की इस कंपोजिशन को लेके, तो वो पहले आया उसकी तरफ से हाउ डू यू डू, उसके बाद आया आई लव यू, और उसके बाद मैं फिर मेरी एंट्री हुई तो टिम्बक्टू। एक मैंने वर्ड सीखा है रशियन में आई लव या लुब लुब, और लास्ट में मैं और तू, हांजी पापा, हांजी पापा, तो इस तरह से इट डेवलप्ड। तो ये चांट जो है हांजी पापा, हांजी पापा, उसके ऊपर देन परेश किक्स इन विद हिज लॉन्ग नोट्स, उसके बाद में नरेश कम्स इन, वह कैलाश स्टार्ट सिंगिंग उड़ता जाऊं, और फिर कर्ट विद डिसरप्शन, कर्ट की एंट्री होती है। तो हाँ जी पापा आप सबके लिए ऑन अन अकेडमी अनवाइंड विद MTV। हाँ जी पापा, 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 हाउ डू यू डू, हाँ जी पापा, हाँ जी पापा, आई लव यू, हाँ जी पापा, हाँ जी पापा, हाउ डू यू डू, हाँ जी पापा, हाँ जी पापा, आई लव यू, हांजी पापा, टिम्बक्टू, हांजी पापा, हांजी पापा, यालुबुलु, हांजी पापा, हांजी पापा, गुट्टरगु, हांजी पापा, हांजी पापा, मैं और तू उड़ता जाऊं आसमान में, चढ़ता जाऊं उल्टे ढलान में, करतब वाला हांजी हांजी, बढ़ता जाऊं गुना जी, ओ तेरी ताल बता, तेरा हाल बता, तेरी चाल बता, उछाल बता, कड़वा कड़वा कुछ स्वीट बता, ओए डीट बता, ओए तेरी बीट बता।
शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, आके दिल को मेरे यूं तड़पाती हैं। ओ सनम मोहब्बत की कसम।